तो प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारा और आपका एक प्यारा सा चैनल, YouTube चैनल जो है जिसका नाम है LLTC पंडवाले। यहां हम क्लास 11th के लिए चैप्टर लेकर के आए हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि सॉलिड का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होता क्या है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो क्लास है ये हमारे LLTC में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बैकअप क्लास के तौर पर भी है, और जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए एक तरह का रिवीजन क्लास भी हो जाएगा ये चीजें। तो मेरा जो न्यू एडिशन बुक के अकॉर्डिंग कहिएगा तो चैप्टर नंबर 8 है, और अगर ओल्ड एडिशन के अकॉर्डिंग कहोगे तो फिर चैप्टर नंबर 9 में आ जाता है ये। तो हम लोग न्यू एडिशन के ही तौर पर बात करते हैं और कंसिडर किए हैं चैप्टर नंबर 8 इसे, और है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। आखिरकार एक सवाल यहाँ आता है कि सर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है। अब तक आप 9th-10th में सॉलिड लिक्विड गैस या फिर मेटल्स नॉन मेटल मेटल वाइट्स वगैरह पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर आप केवल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े होंगे। तो सर यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो आइए एक बार में तीनों चीजों को हम लोग जान लेते हैं अच्छा से। जैसे अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करा जाए किसी ऑब्जेक्ट का, तो जैसे मान लीजिए कि मेरे हाथ में स्मार्ट बोर्ड का एक पेन है, यहां से अगर बात कीजिएगा कि सर इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज बताइए, तो बच्चों इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ इसका शेप क्या है, साइज क्या है, कलर क्या है, यानी जो बाहरी बाहरी रूप से ऑब्जर्वेबल हो, बाहरी बाहरी तौर पर जिसे हम देख सकते हैं ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टीज को कहा जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, और अगर ये चीजें बनी क्या से है, इसके इंटरनल पार्ट्स में किस किस चीज का मिलावट है, तो उसके बारे में अगर जानिएगा, इसके अंदर में आप किस किस प्रकार के मटेरियल मिलाए हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसका कलर क्या था, किस किस प्रकार को मिलाने के बाद ये चीज स्मार्ट बोर्ड के पेन का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसको कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। और हमें पढ़ना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मतलब सॉलिड, आपको पता होगा कि जैसे एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी सभी जीवित वस्तुएं हैं, सभी के सभी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए, फंडामेंटल यूनिट होता है सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक वैसे ही नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे मैं मान लीजिए ब्रिक्स हो गया, पेन है, कॉपी, पेपर्स, बोर्ड वगैरह, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एटम मोलेक्यूल ये होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो जैसे ये सॉलिड बॉडी है, इसके अंदर जो मोलेक्यूल है उनका अरेंजमेंट कैसा है, उस किस स्थिति में है, उनके अंदर का मैकेनिक्स क्या है, इस चीज को जब हम लोग जानेंगे, सॉलिड बॉडी के अंदर के मोलेक्यूल्स के मैकेनिक्स के बारे में जानेंगे, तो उसे हम कहते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो सर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्यों आया, क्यों पढ़ना है हमें? तो बच्चों, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का चैप्टर को आपके क्लास 11th में ऐड करने का मेन पर्पस ये है कि जैसे बिल्डिंग होते हैं ना, बिल्डिंग का फॉर्मेशन हुआ या फिर बड़े बड़े टावर वगैरह का, तो किस प्रकार के ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाए, किस प्रकार के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए, जैसे रड वगैरह हम लोग कंक्रीट वगैरह यूज करते हैं बड़े बड़े घर को, बड़े बड़े बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनाने में या बड़े बड़े नेटवर्क टावर वगैरह को बनाने में, तो वहां हम लोग सॉलिड के प्रॉपर्टीज को देखकर ही उसमें लगाया जाता है, ताकि उसका इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज, मतलब अगर कभी कभार थोड़ा बहुत भूकंप भूकंप भी आ जाए तो बॉडी कितना अपने से बैंड होकर के फिर रिगेन कर सकता है पोजिशन, इसलिए वैसा मटेरियल को डाला जाता है। तो मटेरियलों के बारे में जानने के लिए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स के फॉर्मेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो सॉलिड आप उसमें लगा रहे हैं उसका प्रॉपर्टीज क्या है, उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसलिए बेसिकली इसे हमें पढ़ना है। और ऐसा जब आप सिविल इंजीनियरिंग करोगे तो वहां डीपली पढ़ना होगा आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में। तो आप जान गए केमिकल प्रॉपर्टीज, जान गए फिजिकल प्रॉपर्टीज, जान गए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जान गए। चैप्टर नंबर 8 है क्लास 11th का फिजिक्स का, बुक नंबर 2 से स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें हमें ये जानना होगा सबसे पहले, इस चैप्टर को अगर हम ब्रेक करके देखें तो देखना होगा हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में तो हमने बता दिया आपको, अब हमें जानना है कि सर सॉलिड के बारे में पहले जान लें हम कि सॉलिड क्या होता है। तो सॉलिड को जानने से पहले हमें एक और चीज जानना होगा, मैटर, पदार्थ। मैटर किसे कहते हैं, तो बड़ी बचपन में आप लोग रटे होंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऑक्युपाई करे प्लेस को, कोई ना कोई स्थान घेरे या कुछ भार हो, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर जानिएगा तो बस केवल डायरेक्टली कह सकते हैं आप मैटर किसे कहते हैं, तो जिसके पास कुछ वॉल्यूम हो और कुछ मास हो,
तो वही तो हमने कह दिया, भार मतलब मास एक तरह से मान लिया जाए थोड़े समय के लिए, हालांकि मास और वेट में डिफरेंस है, क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं। और वॉल्यूम, वॉल्यूम तो 3D बॉडी का होता है, मतलब वॉल्यूम किसे कहते हैं, तो जितना स्पेस कोई ऑक्यूपाई करता है उसे वॉल्यूम कहते हैं। तो 11th क्लास में स्टैंडर्ड अगर वे में कहोगे तो मैटर किसे कहते हैं, तो जिसके पास वॉल्यूम हो और जिसका कुछ मास हो उसे मैटर कहते हैं। ये चीजें आप जान रहे हैं। बेसिकली आपको बताया गया है कि मैटर 3 स्टेट में पाए जाते हैं। फर्स्ट स्टेट को बताया गया होगा आपको सोलिड, सेकेंड आपको पता ही होगा लिक्विड, और थर्ड आप एक बार खुद से बोल सकते हैं गैस। बाद में दो और स्टेट का पता लगा, फोर्थ स्टेट कहलाता है, सबका नोमिनेशन कर दे रहा है ना, 1, 2 नंबरिंग कर दे रहा है, 3। बाद में एक और स्टेट का पता चला बेटा, जिसे कहते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा। फिर बाद में एक और स्टेट का पता चला 5, जिसे सत्येंद्रनाथ बोस और सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने मिलकर के डिस्कवरी किया है, इसे कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बहुत समय पहले से आप क्लास 8 से ही आप पढ़ रहे होंगे सॉलिड किसे कहते हैं, लिक्विड क्या है और गैस क्या है। बाद में फिर हम आपको बता रहे हैं, तुरंत पहले ये तीनों को पढ़ लेते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या है, फिर हम लोग जानेंगे प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बड़ी अच्छे तरीका से जानेंगे कि प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो मैटर का स्टेट है, ये कौन सा दो नया स्टेट है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो अब हम लोग स्टेट ऑफ मैटर के बारे में जो वहां लिखे थे डायग्रामेटिकली अच्छा से समझ लेते हैं ना। देखिये ये सॉलिड है, सॉलिड का डेफिनिट शेप और डेफिनिट वॉल्यूम होता है। इसका अगर बात कीजिएगा तो इनडिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम होता है, और गैस का इनडिफिनिट शेप और इनडिफिनिट वॉल्यूम होता है। मतलब क्या है, सॉलिड का देखोगे तो आप स्ट्रक्चर या डिजाइन बिल्कुल हार्ड टाइप होता है, एकदम फिक्स शेप में होता है। लिक्विड का कोई शेप नहीं है, जिस चीज में डालोगे आप, जिस ऑब्जेक्ट में रखोगे उसी का शेप ऑक्यूपाई कर लेता है ये चीजें, लिक्विड जिसे कहते हैं। और गैस, गैस का कुछ भी निश्चित नहीं है, ना वॉल्यूम, ना शेप, ना साइज। अब देखिए हम लोग आगे बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। तो बेसिकली आप बहुत पहले से ही जान रहे हैं, सर ये नीचे वाली चीजें क्या है, तो बेटा सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट करता है तो उसे मेल्टिंग कहते हैं। जैसे अगर बर्फ है, वो पानी बना, तो उसे हम क्या कहेंगे, मेल्ट कर गया, गलनांक यानी गल गया वो। सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसे मेल्टिंग कहते हैं, और लिक्विड जब सॉलिड बनेगा, मतलब पानी जब बर्फ बनेगा, तो उसे फ्रीजिंग कहते हैं, ठंडा करना कहा जा सकता है। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे तो वेपोराइजेशन, पानी जब वाष्प बनकर उड़ता है ना तो गैस बन जाता है, वही वेपोराइजेशन है। और गैस जब लिक्विड बने यानी वाष्प, जब बारिश होता है पानी बन के, उसे कंडेंसेशन कहते हैं, संघनन कहते हैं। अब देखिएगा यहां से ये चीजें साथ में कवर कर ले रहे हैं प्लाज्मा, फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर, थर्ड स्टेट ऑफ मैटर। आइए फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को इजिली डिस्क्राइब कर लेते हैं यहां से हम देख करके। क्या है ना, जब गैस को आप आयोनाइज करोगे ना तो बड़ी हाई एनर्जी में आ जाता है, बहुत अनस्टेबल हो जाता है। जब एनर्जी ज्यादा रहेगा तो अनस्टेबल रहता है आदमी, इधर से उधर घूमते फिरते रहेगा। बस सेम वही बात है, गैस को जब आयोनाइज करोगे आप, आयंस आ जाएंगे गैस पर, एक प्लस और एक माइनस टाइप आयंस, तो ये क्या हो जाता है, हाईली एनर्जी एक्वायर कर लेता है। और इसी मैटर के स्टेट को प्लाज्मा कहते हैं, जहां के एग्जाम्पल में आपको दिखाया गया है नियोन गैस को, कि कैसे नियोन गैस के जो मोलिकुल्स हैं वो आयोनाइज हो गए हैं, और आयोनाइज होने के बाद ये हाईली एनर्जेटिक हो गए हैं। तो ये नियोन गैस का जिस स्टेट में रखे हैं वो नियोन गैस का प्लाज्मा स्टेट है। ये गैस हो स्टेट हो गया, और ये लिक्विड हो गया, और ये सॉलिड। अब बात आती है फिफ्थ स्टेट जिसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा आपको गौर करना होगा। देखिए यहाँ फिगर दिखाया गया है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसके मोलेक्युल्स देखिए इस तरह से हैं, और एक ही एनर्जी लेवल में रखा गया है, और उसके एनर्जी को दिखाया गया है नेक्स्ट ग्राफ से जो वर्टिकल डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल में रख दिया गया, मतलब एक ही लेवल में है सब। अब देखिए सबका एनर्जी अलग अलग है, जितने मोलेक्युल्स इस प्लेन पर रखे गए हैं उतना ही मोलेक्युल्स का एनर्जी लेवल इधर दिखाया गया इस वाले प्लेन पर, वर्टिकल प्लेन पर। हॉरिजॉन्टल पर किसी बॉडी के मोलेक्युल्स रखे गए हैं और उस पर एनर्जी का लेवल सभी मोलेक्युल्स का दिखाया गया है। देखिए अलग अलग एनर्जी स्टेट में थे, फिर भी ये सभी एक ही लेवल में है और कोई वेव जनरेट नहीं कर रहे हैं। ओके, बाद में देखिएगा ऊपर के जो पार्टिकल्स हैं, ऊपर के जो मोलेक्युल्स हैं, इनको डाउन की तरफ लाया जा रहा है, एनर्जी को कम किया जा रहा है। तो क्या देखा जा रहा है कि जो मोलेक्युल्स अपने जनरल स्टेट में थे, ये एक वेव क्रिएट कर रहे हैं। जब टेम्परेचर को लो करा जा रहा है तब एक अपने अपने पोजिशन पर ही है,
थोड़ा बहुत इधर उधर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और हल्का हल्का वेव जनरेट कर रहे हैं क्वांटम वेव की तरह। अब आगे देखिएगा, हल्का हल्का बस समझ लीजिए, बाकी विशेष की बात है तो हम आगे करेंगे ही। अब देखिए इसमें देखिए क्या करें हम लोग, और एनर्जी लेवल डाउन किए थोड़ा थोड़ा और वेव, देखिए रेड कलर का साइज बढ़ रहा है ना, रेड कलर का रेंज बढ़ रहा है, मतलब ये वेव जनरेट कर रहा है। और डाउन करके देखिए एक लेवल तक हम एनर्जी लेवल को लेकर के आ गए, तो देख रहे हैं कि सारे पार्टिकल्स एक में मिल करके और एक वेव जनरेट कर रहा है और इसी स्टेट को सभी एक में मैच कर गए, मैच करके एक साथ एक वेव जनरेट कर रहा है, देखिए कैसे फैले हुए हैं। इसी को कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट वाला कंडीशन है किसी मैटर का। तो फाइव पांचों कंडीशन आपने पढ़ लिया, फर्स्ट पढ़ा सॉलिड, सेकेंड लिक्विड, थर्ड गैस, फोर्थ प्लाज्मा। प्लाज्मा किसे कहते हैं सर, तो एकदम किसी भी गैस को अगर आयोनाइज्ड कर दीजिएगा तो हाईली एनर्जेटिक हो जाता है उसके, इस स्टेट को कहा जाता है प्लाज्मा स्टेट। और फिफ्थ और लास्ट स्टेट जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, वो आपके सामने रखा गया है कि सर जब सभी किसी बॉडी के पार्टिकल्स का यानी मोलेकुल का एनर्जी एकदम डाउन कर दिया जाएगा तो सभी मोलेकुल एक साथ मैच कर करके और क्वांटम वेव पैदा करेंगे, इसके इसी कंडीशन को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा, यहां तक क्लियर है, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ रहे हैं ना। जैसे यहां पे हमने देखा कि, और विशेष रूप से बाकी इन सभी चीजों को अभी नहीं पढ़ना है, चैप्टर नंबर 9 में फिर पढ़ना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड किसे कहते हैं, तो जिसमें बहने की प्रवृत्ति होती है ना, जिस मटेरियल में फ्लो करने का कैपेसिटी हो, टेंडेंसी हो, उसे फ्लूइड कहते हैं। तो हम लोग चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे लिक्विड और गैस का मैकेनिकल प्रॉपर्टी, चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं बच्चों, तो यहां हमें केवल पढ़ना है सॉलिड का मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो बाकी सारी चीजें हमने देख लिया जरूर, पर हमें पढ़ना है सॉलिड के बारे में। आइए थोड़ा सा बात करते हैं अब सॉलिड के बारे में। अभी भी आपने पढ़ा कि सर सॉलिड का शेप फिक्स है ना, ये बिल्कुल हार्ड टाइप देखने वाला मटेरियल है उसे कहते हैं सॉलिड। लेकिन क्या यह बिल्कुल सही हम बोल रहे हैं कि जो मटेरियल्स हैं जो हार्ड दिखे उसे सॉलिड कहते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए नो सर, क्योंकि कंप्लीटली सॉलिड हार्ड नहीं होते हैं, उनके शेप या साइज में चेंजिंग अगर आप डीपली पढ़े होंगे तो फिर आपको कहना होगा कि सर सॉलिड एक्चुअली में बिल्कुल ही हार्ड नहीं हो सकता है सर, उसके शेप में चेंजिंग ला सकता है। जैसे देखिए तुम्हारे सामने यहाँ एग्जाम्पल है, कोई अगर रड वगैरह है तो उसे आप स्ट्रेच करके फोर्स लगा करके उसके लेंथ में चेंजिंग ला सकते हैं। यहाँ देखिए दिखाया गया है, एल लेंथ इनिशियली था, बाद में हम लोग इसको दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई करके स्ट्रेचिंग फोर्स हम लोग अप्लाई किए, खींचे इसको और डेल एल से उसके लेंथ में चेंजिंग ला दिए। देखिए ये जो लेंथ है ना ये डेल एल है, तो टोटल लेंथ की बात करोगे तो इनिशियल कंडीशन वाला लेंथ एल हो गया बच्चों, और डेल एल ये वाला देखा, देखिए देखिए यहाँ पे जोड़ करके दिखाया गया है एल प्लस डेल एल, ये तो सॉलिड था फिर भी स्ट्रेचेबल है। और अभी आप पीछे कह रहे थे कि सर सॉलिड एकदम से हार्ड टाइप मेटल होता है, तो ये कहना सही नहीं है। सॉलिड के अंदर के मोलेकुल का पोजिशन इस तरह से है कि वो एक ही जगह स्थिर नहीं रहते हैं, बल्कि एक ही पॉइंट से टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, आगे पीछे मोशन करते रहते हैं। तो जब आगे पीछे पीछे मोशन कर सकता है, तो सपोज करना कि यहाँ पे मोलिक्यूल्स था, यहाँ मोशन किया, उसी समय तुमने एक फोर्स लगा करके उसके शेप में चेंजिंग कर सकते हो तुम, समझ गए? तो सेम वही बात है, हमने इसके शेप में चेंजिंग कर दिया, एकदम से लेंथ में चेंजिंग कर दिया डेल एल के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको लॉन्गिट्यूडिनली हमने शेप में चेंजिंग किया, इसे देखोगे तो टेंजेंशियली टेंजेंट पर फोर्स लगा के यहाँ पे हल्का सा, और हमने इसको थीटा एंगल से इसके शेप में चेंजिंग कर दिया, देखिए इस तरह से कर्व कर दिए। चेंजेज पॉसिबल है सॉलिड में, और इसी के बारे में तो पढ़ना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में, कि किसी बॉडी में अगर हम चेंज लाते हैं सॉलिड बॉडी में तो वह अपने पुराने पोजिशन को कितना रिगेन कर सकता है, जिसे इलास्टिसिटी पढ़ते हैं, बाद में हम इसके बारे में बताएंगे जस्ट अभी आगे। फिर देखिए एक बुक है, देखिए यहाँ फिजिक्स का ही बुक है, और भाई फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो किसका बुक रहेगा, फिजिक्स का, उस पर हम लोग जब हाथ रखेंगे तो देखिएगा आपकी बुक पिचक के आगे की तरफ, गांव देहात वाला में नहीं कहता है कि भरक गया है इस टाइप से, ऐसे मोटा सा बुक पर हाथ रखोगे तो हल्का सा आगे की ओर बढ़ जाएगा, पीछे वाला ऐसे निकल जाएगा, देखो यहाँ ऐसे निकल करके आगे की तरफ हो जाता है, चेंजिंग आया ना शेप में, ये तो सॉलिड था आया, यस सर। ये देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर चारों तरफ से इसके टोटल वॉल्यूम में जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो आपने देखा कि देखो इस तरह से इसका शेप हो गया, देख रहे हैं ना, इनिशियल शेप ये वाला था और जो फाइनल चेंजिंग वाला शेप देखिए ये दिखाया गया है डॉटेड लाइन से, देखिए इतना आपने इसको एक तरह से कहा जाए तो कंप्रेस कर दिया,
इस तरह से देखिए कंप्रेसेबल पॉसिबल है, फोर्स लगा करके लेंथ में चेंजिंग ला सकते हैं, टेंजेंट्स में चेंजिंग ला सकते हैं, पूरे वॉल्यूम में चेंजिंग ला सकते हैं। और इन तीनों के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये सभी चीजें हैं कैसे पॉसिबल हुई और क्या हुई इसके बारे में। देखो नीचे लिखा हुआ है, सिलेंड्रिकल बॉडी अंडर टेंसाइल स्ट्रेस इलोंगेट्स बाय डेल एल, यानी डेल एल से इसका लेंथ बढ़ चुका है। फिर बी वाला जो फिगर है इसमें कह रहा है कि शियरिंग स्ट्रेस ऑन अ सिलेंडर डिफॉर्मिंग इन इट बाय एन एंगल थीटा। शियरिंग मतलब होता है टेंजेंशियल, टेंजेंट के अकॉर्डिंग फोर्स लगा करके इसमें थोड़ा सा बेंड कर दिया थीटा एंगल से। फिर देखिए सी फिगर के बारे में क्या कह रहा है, अ बॉडी सब्जेक्टेड टू शियरिंग स्ट्रेस, मतलब इसमें शियरिंग स्ट्रेस लगाने के बाद देखिए किस तरह से शेप में चेंजिंग आ चुका है। फिर डी में कह रहा है सॉलिड बॉडी अंडर स्ट्रेस नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट, जिसको हाइड्रोलिक स्ट्रेस कर सकते हैं या वॉल्यूम स्ट्रेन भी कहा जाता है इसे, वॉल्यूम स्ट्रेस, बाद में इसको प्रेशर भी पढ़ेंगे हम। अब इसके बाद हम लोग देखना चाहेंगे कि सर ये जो इसका लेंथ में चेंजिंग आया, इसका टेंजेंशियल थीटा से शेप में चेंजिंग आया, इसका वॉल्यूम में चेंजिंग आया, ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो बच्चों आपका आंसर होगा कि सर आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, आप बल लगाए हैं, फोर्स अप्लाई किए हैं, तब जा करके इन सभी सॉलिड बॉडी के शेप में चेंजिंग आपको देखने को मिला। और जिस फोर्स से किसी बॉडी के शेप में चेंजिंग हो जाता है उस फोर्स को हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं, उसे डीफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। यहां से इंट्रोडक्शन खत्म हुआ चैप्टर का और अब स्टार्ट होता है लिखने पढ़ने वाली चीजें। फर्स्ट हेडिंग आपका होना चाहिए, कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और देख लीजिए फर्स्ट में डीफॉर्मिंग फोर्स आया। डीफॉर्मिंग फोर्स क्या है सर? तो किसी भी सॉलिड बॉडी पर अप्लाई करने के बाद उसके शेप में जो चेंजिंग ला देता है उस फोर्स को डीफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। और डीफॉर्मिंग फोर्स समझने से पहले अब हम डिस्कशन करते हैं सॉलिड को, अब थोड़ा सा माइंड से साइड में रख करके, और अब हम बात करते हैं स्प्रिंग के बारे में ना। स्प्रिंग एक तरह का सॉलिड ही है, तो एकदम से साइड में नहीं रखना है भाई, सामने भी रखना है। जैसे देखिए इधर स्प्रिंग का बात कर रहे हैं हम लोग ना, ये अभी नॉर्मल शेप में है, इस पर कोई किसी प्रकार का फोर्स लगाया नहीं गया है। अब देखिए क्या करते हैं हम, यहाँ से आप दीवार में एक कील लगा करके उसमें एडजस्ट करके स्प्रिंग के एक इंड को और दूसरे इंड पर से आप फोर्स लगा करके उसे खींच रहे हैं, गांव भर के भाषा में कहा जाए तो तान रहे हैं आप, इसको डिफॉर्मिंग फोर्स दे रहे हैं आप। डिफॉर्मिंग फोर्स देने की वजह से क्या होगा बच्चों, तो देखिएगा कि अब जो इसका शेप था कुछ इस तरह से स्प्रेड आउट टाइप पर, एकदम फैले टाइप पर फैल जाएगा ऐसे, देखिए इस तरह से, जो पहले क्लोज टर्न थे अब थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पर चला जाएगा, वो खींचा जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा ये वाला ये स्प्रिंग। कैसे स्ट्रेच हुआ सर? तो डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से। तो जो फोर्स किसी सॉलिड बॉडी के डिफॉर्मिंग फोर्स, जो फोर्स किसी सॉलिड बॉडी के शेप में चेंजिंग ला दे उसे डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। और इसमें जो चेंज आ गया इस स्प्रिंग में, तो इस स्प्रिंग को कहेंगे डिफॉर्म बॉडी। और आप जानते होंगे कि अगर अच्छा स्ट्रेचेबल वायर का बना स्प्रिंग है और उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के उसमें ताने हैं, ये इस प्रकार से ऐसा खींचे हैं, तो खींच करके छोड़े, जैसे ही तुम छोड़ोगे यानी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करना रोकोगे, छोड़ दोगे आप फोर्स अप्लाई करना, इसमें अपने आप एक प्रॉपर्टीज होता है जिसे रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, ये जेनरेट कर लेता है अपने आप में रिस्टोरिंग फोर्स, और जेनरेट करके और अपने पुराने पोजीशन को रिगेन कर लेता है, इसे कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, जो अपने आप होता है बॉडी में। और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ बॉडी पर, अलग अलग बॉडी का रिस्टोरिंग फोर्स का जो लेवल है वो अलग अलग होता है। तो फिर से आप दो चीजें यहां सीखिएगा, पेन पेपर निकालिए, आपका इंट्रोडक्शन क्लास एंड किया, अब यहां से स्टार्ट होता है पढ़ने लिखने और सुनने वाला बात। फिर से एक बार हम चलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है। तो सर किसी भी सॉलिड बॉडी पर अगर हम अप्लाई करते हैं फोर्स और उसके शेप में चेंजिंग आ जाता है, तो उस चेंजिंग लाने वाले फोर्स का नाम है डिफॉर्मिंग फोर्स। और जैसे ही आप किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना बंद करते हैं, अपने आप एक और फोर्स जनरेट कर लेता है जिसके वजह से अपने पुराने पोजिशन को रिगेन कर सकता है, और उस फोर्स को कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तुम देखोगे
कि डिफॉर्मिंग फोर्स इधर की ओर तुमने लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना छोड़ने के बाद इसमें सेल्फ अपने आप रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगकर और इसको अधिक से अधिक अपने पुराने वाले पोजीशन में ला देता है। तो यहां से एक और कॉन्सेप्ट मिल गया आपको कि डिफॉर्मिंग फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन है बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक वैसे ही जैसे मोशन और फ्रिक्शन का होता है। अगर आप इधर मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शन आपका जस्ट अपोजिट होगा, ठीक वैसे ही किसी बॉडी को इस तरफ से लगा करके आपने फोर्स खींचा है, मतलब डिफॉर्म किया है, इसे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है, डिफॉर्मिंग फोर्स छोड़ने के बाद ये स्वयं अपने आप से सेल्फली जा करके पीछे अपने पुराने पोजिशन को एक्वायर करेगा, अचीव कर लेगा, रिगेन कर लेगा, इसे रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम डिफॉर्मिंग फोर्स का डेफिनेशन और रीस्टोरिंग फोर्स का डेफिनेशन पर चलते हैं। तो हो गया होगा स्क्रीनशॉट। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे लेते हैं डी। ये बैकअप क्लास भी है और वो बच्चे जो पढ़ चुके हैं इसे उनके लिए रिवीजन क्लास भी है। डिफॉर्मिंग फोर्स हम यहां लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट वाले स्टेट का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं कर रहे हैं, कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैंने पढ़ लिया पांच स्टेट जरूर, पर हमें पढ़ना है विशेष करके सॉलिड के बारे में, इसलिए मैंने सॉलिड को आगे लेकर के चला। और सॉलिड में भी अब हम एग्जांपल विशेष रूप से ले रहे हैं स्प्रिंग का। हमने देखा कि स्प्रिंग के शेप पे जो चेंजिंग लाया जिस फोर्स को अप्लाई करके उसे डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, और उस स्प्रिंग का नाम जिसमें शेप में चेंजिंग आ जाए उसे डिफॉर्म्ड बॉडी या डिफॉर्म्ड स्प्रिंग कह देंगे। जैसे ही तुम स्प्रिंग पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना छोड़ोगे वो अपने आप पुराने पोजीशन को एक्वायर कर लेगा, रिगेन कर लेगा, और जिस फोर्स से रिगेन करता है उस फोर्स को रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। मतलब यहां से क्या हुआ कि सर डिफॉर्मिंग फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है एज लाइक मोशन एंड फ्रिक्शन। तो डिफॉर्मिंग फोर्स लिखिए तो द फोर्स रेडी टू राइट the force which can change the shape of a solid body is called deforming force। और लिखते समय बोलते हुए भी लिखना है जिससे आपको ऐसा लगे कि हम एकदम लाइव क्लास बल्कि ऑफलाइन क्लास में है, ऐसा फीलिंग आपको आए, इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। और आप नेक्स्ट टॉपिक में क्या लिखवाएंगे हम कि जिस बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया गया और इसको शेप में चेंजिंग आ गया उस बॉडी को डिफॉर्म्ड बॉडी कहते हैं ना, उस चीज को लिख लीजिए यहां द बॉडी व्हिच shape is changed। बोल बोल के लिख रहे हैं आप, स्क्रीन पर नहीं भी देखोगे तो भी लिख लोगे the body which shape is changed, जिसका shape बदल दिया गया है is called कहलाता है क्या भाई, तो deforming या deformed body is called deformed। deformed body या तो आप नोट कर रहे हैं साथ साथ तो ठीक है, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, तो चलिए इसके बाद हम लोग इस चीज को एक वही स्प्रिंग के एग्जांपल से दिखा दीजिए। ये स्प्रिंग को एक वॉल से, एक दीवार से कनेक्ट करके इसको नॉर्मल स्टेट में रखे, देखिए ये स्प्रिंग का नॉर्मल कंडीशन है। स्प्रिंग भी एक तरह का सॉलिड बॉडी है इसलिए इसमें आ गया। अब देखिए इस पर आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे क्या होगा दोस्त, तो सर ये स्ट्रेच कर जाएगा, स्ट्रेच। जब इस पर हम लोग एक फोर्स लगाएंगे इसी फोर्स का नाम है डिफॉर्मिंग फोर्स,
डिफॉर्मिंग फोर्स या शेप में चेंजिंग आ गया, और जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स आप अप्लाई करना छोड़ोगे ये रिस्टोर हो जाएगा, जिसे हम रिस्टोरिंग फोर्स लिखवाने के बाद उसमें हम ड्रा कराएंगे। चलिए इसके नीचे ये फिगर ड्रा कर लीजिए आप आराम से, कैसे ये स्ट्रेच हो गया डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद, हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, तो जो स्प्रिंग में अपने पोजीशन को रिगेन करने के कैपेसिटी होता है इसे इलास्टिसिटी कहते हैं, जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। इलास्टिसिटी क्यों आता है, तो ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स ना, रीस्टोरिंग फोर्स कितना है उसमें जो अपने आप जनरेट होता है। रीस्टोरिंग फोर्स स्पॉन्टेनियस है, स्वतः अपने आप लगता है, जबकि डिफॉर्मिंग किसी एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा लगाया जाता है, हमारे द्वारा लगाया गया, या कोई और भी आप भी लगा सकते हो, आप एक्सटर्नल एजेंसी हो गए, बाहर की चीजें हो गए आप। तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, तो सर एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा अप्लाइड फोर्स है, और रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, तो स्पॉन्टेनियस उस बॉडी के मोलेकुल्स के द्वारा स्वयं जनरेट कर दिए जाते हैं, स्पॉन्टेनियस है। तो मेरा नेक्स्ट हेडिंग रहेगा रिस्टोरिंग फोर्स। द फोर्स due to which body regain their original shape जस्ट आफ्टर रिमूविंग कौन सा फोर्स, बोले जल्दी से आप, जस्ट आफ्टर रिमूविंग, तो आपका आंसर होगा डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स हटाइएगा तुरंत एट अ टाइम रिस्टोरिंग फोर्स वर्क करता है। या फिर वो छोड़िए, आप धनुष बांध में भी आइए ना, आप स्ट्रेच करते हैं उसमें, तो ये कौन सा फोर्स अप्लाई किए, डिफॉर्मिंग, छोड़ते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बांध तेजी से आगे अपने लक्ष्य पर जाकर के लगता है। Regain their original shape after removing, हालांकि यहां लिखना चाहिए था just after removing deforming force, deforming force is called बोलिए आप लोग restoring force sir। रिस्टोरिंग फोर्स, और ये साइमल्टेनियसली होता है, साथ साथ तुरंत, ये नहीं कि तुम अभी खींचा अब छोड़ दिया तो भी सो गया उसी कंडीशन में, नहीं, जैसे ही आप हटाएंगे फट से रिगेन कर लेगा वो, मतलब साइमल्टेनियसली होता है, जल्दी जल्दी जैसे ही डिफॉर्मिंग हटा तुरंत रिस्टोरिंग लगेगा। ओके, इसको भी बाई फिगर आप चाहे तो दिखा सकते हैं, तुमने इसे स्ट्रेच करके छोड़ा था बाई अप्लाइंग डिफॉर्मिंग, डिफॉर्मिंग फोर्स, ये सेल्फ स्पॉन्टेनियसली जैसे ही रिमूव करोगे ये अपने पुराने पोजीशन में आ जाएगा। कैसे, तो आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया था इधर, ये अपने आप से रिस्टोरिंग फोर्स लग करके रिस्टोर कर लेगा अपने पोजीशन को। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर साथ में लिख रहे हैं तो और भी बेहतर है। स्क्रीनशॉट हो चुका होगा, आगे अब मात्र एक पॉइंट और लिख लो कि सर डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन है एक दूसरे का अपोजिट होता है। चलिए नोट में लिख सकते हैं आप इसे, नोट, द डायरेक्शन ऑफ deforming force and restoring force are opposite to each other
आर अपोजिट टू इच अदर। और फिर से एक बार कह रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स साइमल्टेनियस होता है, साथ साथ लगता है ना, इस बात को भी चाहिएगा तो आप लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लीजिए इसको फट से, हो गया होगा। और इस तरह से आज का लेक्चर मेरा इतना पर समाप्त होता है। कल हम देखेंगे स्ट्रेस के बारे में, फिर अगला लेक्चर में स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी क्या है, इलास्टिक मटेरियल कौन होते हैं और जो इलास्टिक नहीं होते उन्हें प्लास्टिक मटेरियल कहा जाता है। इन सभी चीजों के बारे में हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में ही पढ़ेंगे। आप बने रहिएगा, लगातार सीरीज जो आएगा लेक्चर वन लेक्चर टू कर करके सिस्टमैटिक आप उसे विजिट करते रहिएगा, देखते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।